भी देख लो, दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठी हूँ आज, चली हूँ बेटे के पास कनाडा। जनवरी तक भजना की वीडियो नहीं बनेंगी, ये तब मैं दिखाऊंगी कनाडा का नज़ारा रोज, कहाँ घूम के आई, क्या करा क्या नहीं, अब वो लोग बनाऊंगी और वो डाल लूँगी, क्योंकि भजन नहीं बनाए जाएंगे वहाँ पे, तो इसलिए ईद मैं यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठी हूँ। ये देखो पर आज की सारी रात ऐसे ही लगी, पहले घर में बैठे रहे, हंसे बोले गए परिवार, वहाँ से निकले 11 बजे ये 1:30 बजे यहाँ पहुँच गए, बस यहाँ आके पता चला फ्लाइट भी लेट है, बस अब बैठे हैं यहाँ वेट करके 2-2.5 घंटे फ्लाइट लेट है, और अब खाया पिया है, एक सैंडविच लेकर खाया पिया है एयरपोर्ट पर, बहुत ज़्यादा महंगा सामान है एक सैंडविच खाने के लिए 500 रुपये का नोट बलिदान करना पड़ा 300 का सैंडविच और 50 रुपये की एक छोटी सी जूस की बोतल तो ये भी बेचारे अपनी कमाई कर रहे हैं, इनको भी टैक्स वगैरह देना पड़ता होगा, और भाई एयरपोर्ट का नाम ही एयरपोर्ट है, यहाँ पे तो कुछ भी हाथ लगाओ वहीं बहुत ज़्यादा महंगा है। तो देखो ये सारे बेचारे यात्री बैठे हैं, क्योंकि फ्लाइट लेट हो चुकी है, तो सारे अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं और बैठे हैं। ये देखो मास्क वैसे अलाउड नहीं है, किसी का दिल करे तो लगा लो, नहीं तो मत लगाओ, पर ज़्यादातर ने लगा ही रखा है, अच्छा है अपनी सेफ्टी के लिए लगा रखा है, तो मेरे से तो लगाया नहीं जाता क्योंकि मेरा दम घुटता है, इसलिए मेरे से नहीं लगाया जाता मास्क, और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो इसलिए मैंने व्हीलचेयर की सुविधा ली, क्योंकि बहुत लंबा चलना पड़ता है और बढ़िया सा नहीं रही उस पर, क्योंकि ना कहीं लाइन में लगना, ना कहीं वो अपने आप खुद ही सारे पेपर चेक होने, सारा लगेज का वेट होना, सारा कुछ हर जगह अलग सा गेट, अलग से गेट होता है व्हीलचेयर वालों का, अलग से सारे कैबिन होते हैं, अलग से ही चेकिंग वाले होते हैं, तो हर सारा काम फटाफट 2 मिनट में ही होगा, बेचारे छोटे छोटे लड़के काम करते हैं और बड़े अच्छे उससे ट्रीट करते हैं सबको, बड़ा अच्छा उनका बेचारा का काम करने का तरीका है, सबको आओ मैम, आओ आंटी जी, आओ बैठो आंटी जी, तो ये भी बेचारे अपने लगे हुए हैं, ये देखो जैसे ये लेके आ रहे हैं ऐसे व्हीलचेयर पे, तो मैंने भी ऐसे ही प्रोवाइड करवाई थी व्हीलचेयर, क्योंकि काफ़ी लंबा चलना पड़ रहा था, तो इसलिए तो थैंक यू। अब दिखाते हैं आपको कल कनाडा जाके कनाडा का नज़ारा, तब तक के लिए बाय बाय।